ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2.72 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਉਸ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ 15% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 15% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਊਂਗਾ लेकिन हुण एक 2016 तो बाद भर्ती मुलाजमान इसका लाभ नहीं दिता जा रहा और नाल दे नाल ही एक 2016 तो बाद जेड़े प्रमोट होए मुलाजम उन्होंने भी यदा फायदा नहीं दिता जा रहा नाल दी नाल जेड़े मुला साडा जेड़ा डीए सी 113% काउंट किया गया जबकि वह 125% चाहिदा सी। इहदे विच एक होर जग्गो 13वीं गल करती कि मुलाजमान इस पत्र अनुसार बनता 15% के हिसाब न एरियर नहीं दिता जाएगा जो 2016 तो बनता से उदो नहीं दिता गया तो 2016 की जी तनखा सू मिलनी सी हूँ तक जो बैलेंस आना बनता सरकारी खजाने चलेगी वो क्यों नहीं दिता जा रहा इस करके असी पे कमीशन रिजैक्ट करता इस तो सवाए जो कच्चे मुलाजम उन्होंने पक्के बारे जी तजवीज़ आ सरकार की उन्होंने रिजैक्ट करते हैं क्योंकि इस तजवीज़ के अनुसार 10 साल का जरा टाइम रख्या गया जरा कह लो भी तुम तजर्बा वो असं कहने घटा के 5 साल या 3 साल किया जाए जिमें हिमाचल गौरमेंट ने किया ये जेडे होर एक मत पाई आ कि जी सेंक्शन पोस्ट आदि अगेंस्ट सेंक्शन पोस्टा तो जी रीस्ट्रक्चरिंग करके खत्म कर रहे हो वो आने के पोस्टा तो गल यह सो दूजी गल आउटसोर्स की प्रथा से असी उल्टा कि आउटसोर्स पता खत्म करके उसकी थान पर पक्के मुलाजम रखे कंट्रैक्ट से घट्टो घट ले लिया जाए ये पुरानी पेंशन जी बहाल की जाए 15-15 का लैटर उन्होंने वापस किया जाए संयमित पे कमीशन जेडे 2020 तो बाद भर्ती होंगे वो कैंसल किया जाए ये जेडे 24 कैटागरियां टाइप की मिसटेक करके रिवाइज पे स्केलों का नहीं फायदा वो दिता जाए अनरिवाइज जेडे रह गए उन्होंने स्केल रिवाइज किए गए ये मुख्य मंगा जो पूरी नहीं की जाती तो आने वाले समय के।